मेरे टूटने को हादसा समझा गया, लेकिन मेरे टूटने से रास्ता तैयार होना था। अस्सलाम वालेकुम तमाम हाजरीन को नए सितारे के यूट्यूब चैनल और नए सितारे के एफबी चैनल पर खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट महनूर इरशाद और हमारे साथ हैं हमारी आज की गेस्ट मिस एस्टर जैन। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। खुदा का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। टुडे वी आर गेदर हेयर टू सेलिब्रेट आवर वर्ल्ड एक्सेप्टेंस डे। सो वर्ल्ड एक्सेप्टेंस डे बेसिकली सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? इसका मकसद उन तमाम चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना जिनको हम अपनी लाइफ में बहुत पीछे छोड़ देते हैं। बेसिकली जो टॉप हमारा इस डे के मौके पर हमारा एम है, जिस चीज़ को हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में या हमें करना चाहिए, टॉप प्रायोरिटी हम देते हैं डिसेबिलिटी को। सो ये डे हर साल 20 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। सो इस ओकेजन पर हमारे साथ आज मिस्टर जैन मौजूद हैं, जो हमें इस सेशन के बारे में काफ़ी हम इनसे डिस्कशन करेंगे। हमारे पास काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स हैं इनके लिए। सो मिस एस्टर का तारुफ देती चलूँ। मिस एस्टर स्पेशल एजुकेशन कम्प्लेक्स गुलिस्ताने जो है स्कूल में वाइस प्रिंसिपल हैं HI सेक्शन की। इसके अलावा मिस एस्टर ने स्पेशल एजुकेशन में MS किया है और इसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज में PWDs को ट्रेनिंग भी देती हैं, यहाँ तक कि USA तक भी ये जा सकती हैं। इसके अलावा डिफरेंट कॉन्फ्रेंसिस वगैरह अटेंड करना और अपने बारे में बहुत कुछ ये खुद भी बताएंगी। तो जी मिस एस्टर। थैंक यू सो मच मानू फॉर हैविंग मी। और सबसे पहले तो मैं एक करेक्शन कर दूं, मैंने MS नहीं MED किया है इन स्पेशल एजुकेशन, ठीक है। और मेरा मास्टर्स जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से है, वो है इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है। और फिर जॉब के साथ साथ मैंने BEd और MEd किया अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, ठीक। मैंने कहा पहले तो यही करेक्ट हो जाए, ठीक है। और 2009 में मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था एज सीनियर टीचर BPS 17। और मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी नवाबशाह में, जो कि एक इंटीरियर सेन का एक शहर है, ठीक है। तो वहां पर मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी, 2 साल तक मैंने वहां काम भी किया। तो जी तो ये सब सुनकर मुझे कहना पड़ रहा है कि आपके बारे में शायद ये शेर लिखा गया था, नुक्तावरों ने हमको समझाया, खास बनो और आम रहो, महफिल महफिल सोबत रखो, दुनिया में गुमनाम रहो। तो हम वाह अपने आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो मिस, मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि हम अगर बात करते हैं कि डिसेबिलिटी को लेकर अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस अवेयरनेस तो लोगों जी, में आ जाती है, तो आपको क्या लगता है, अवेयरनेस जरूरी है या एक्सेप्टेंस? देखें हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो डाइवर्स सोसाइटी है, ठीक है। एग्जैक्टली और अगर हम रफली देखें कि लेट सपोज हम ये कह लें कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो है अराउंड 22 करोड़, ऐसे ही है, ठीक है। बिल्कुल तो उसमें कितने, अगर हम पीपल विद डिसेबिलिटीज की बात करें तो वो कितने हैं, सही है। एक रफ आइडिया है कि मतलब जो WHO का के नंबर्स हैं वो तो ये है कि पूरी दुनिया के 15% जो पॉपुलेशन है वो विद डिसेबिलिटीज है। तो अगर हम अपने मुल्क के हिसाब से भी देख लें तो अगर 15% या 10% लोग किसी ना किसी माजूरी का शिकार हैं, ठीक है। हम अभी फिलहाल क्योंकि पीपल विद डिसेबिलिटीज की बात करेंगे तो, और डिसेबिलिटीज में भी डाइवर्सिटी है, ठीक है जी ना। बिल्कुल विजुअल इम्पेयरमेंट है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है। तो जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस जरूरी है पहले या एक्सेप्टेंस, तो मैं ये समझती हूँ कि अवेयरनेस का भी वो लेवल नहीं है कि जो हमें एक्सेप्टेंस की तरफ लेकर जाए। जी बिल्कुल एक्चुअली जो अवेयरनेस है वो एक स्टेप है जो कि हमें एक्सेप्टेंस की तरफ लेकर जाता है। जाते
तो पहले तो आपको इतनी अवेयरनेस देनी होगी कि अवेयरनेस इतनी आम हो जाएगी तो फिर एक्सेप्टेंस तक आप पहुंच पाएंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, कितने लोग हैं जो हेयरिंग इम्पेयर्ड लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं, कितने लोग हैं जो साइन लैंग्वेज जानते हैं, नहीं कर आप पाते बताएं। जाहिर है, नहीं कर पाते हमारी, नहीं अगर कर हम बात पाते करें ना, तो हम अगर हम ये कहें कि अगर देखें दूसरों में भी नहीं जान पाते तो अपने हम में क्या मेजोरिटी होता की बात करेंगे ना, हाँ कहीं कहीं लोग मेजोरिटी तो नहीं कर पाती। इसी तरह से विजुअल इम्पेयरमेंट की अगर हम बात करें तो मेजोरिटी को विजुअल इम्पेयरमेंट के हवाले से वो किस तरह पढ़ते हैं, वो किस तरह चलते फिरते हैं, मैं समझती हूँ कि इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो पहले तो हमें इसको ही बहुत बड़े लेवल पे उठाना पड़ेगा, क्योंकि यही पहला कदम है जो हमें एक्सेप्टेंस की तरफ लेकर जाएगा। जी। इतनी अवेयरनेस आ जाए माशरे में तो फिर शायद लोग हमें जैसे हम हैं उसकी बुनियाद पे कबूल करना शुरू कर दें। ठीक है, तो आई होप मैंने आपका क्वेश्चन आंसर कर दिया है। मेरे ख्याल में कि अवेयरनेस को बहुत बढ़ाना होगा अगर एक्सेप्टेंस अगर आप चाहते हैं, और ये लीड करता है रे, अवेयरनेस भी लीड कर रहा है ना आपको एक्सेप्टेंस की तरफ। अवेयरनेस नहीं होगी तो किसी को क्या पता कि मेरे लिए, और मैं आपको बताऊं एटीट्यूडनल बैरियर्स भी हैं। ठीक है, लोग बजाहिर तो हमारी बड़ी अप्रिसिएशन कर रहे होते हैं, आपने भी ये चीज नोट की होगी, प्रोग्राम्स में लोग आपको सराहेंगे, कहीं भी आपको अरे आप लोग तो आपको आसमान पे चढ़ा देंगे, ऐसे ही है ज्यादा ना कि जी आप तो, बिल्कुल लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो सोच रहे होते हैं कि बेचारी बेचारा ये क्या कर सकता है, ऐसा ही तो होता है। बजाहिर आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं लेकिन अंदर से एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, एक अनकॉन्शियस बायसनेस मौजूद रहती है टुवर्ड्स डिसेबिलिटी या और भी किस जो चीजें हैं जिसकी बेस पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, कबूल नहीं किया जाता। इट्स नॉट ओनली डिसेबिलिटी, बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे सोसाइटी में लैक ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं एक्सेप्टेंस है और डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। जी। तो मिस आपको क्या लगता है कि अगर हम जैसे अगर मैं आपकी एग्जांपल ले लूं या अपनी ले लूं कि हम अगर मतलब इतनी एजुकेशन हासिल कर ली और एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं, क्या उसके बावजूद भी लोग हमें एक्सेप्ट करते हैं उस लेवल पर आकर? ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं करते, आपको खुद को नहीं प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाएं, आप किसी भी स्केल पे पहुंच जाएं, लेकिन लोग आपके बारे में, क्योंकि वो उनकी एक प्री कंसीव्ड एक सोच है, एक माइंडसेट बना हुआ है कि सेट हुए जो सोसाइटी में हमारा जो स्टेरियोटिपिकल थॉट सोच है कि भाई ये कुछ नहीं कर सकते, वो उससे बाहर नहीं निकल पाते। और अगर कोई हायर पोजीशन पे आ जाता है, कोई अचीव कर लेता है, वो नंबर्स कितने हैं मानूर, वो गिने चुने फिंगर्स पे हैं आपकी कि जो अचीव कर पाते हैं, क्योंकि आप लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज है ना उन लोगों के लिए कि जिनके बिल्कुल साथ कोई ना कोई किसी ना किसी हवाले से वो वल्नरेबल है। ठीक है, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी कितनी है कि वो सोसाइटी में ये बता सकें कि और प्रूव कर सकें कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हम कितना कर सकते हैं। ठीक है, अगर वही बात फिर लौट के आती है कि अवेयरनेस रेज होगी तो एक्सेप्टेंस आएगी, लोग आपको मुख्तलिफ जगहों पे टेस्ट करेंगे। अभी तो लोगों के जहनों में टेस्ट करने वाली बात ही नहीं आती, पहले से ही वो सोच लेते हैं कि कुछ नहीं कर सकता, और अगर कोई किसी पोजीशन पे पहुंच जाता है तो उसको भी आजमाते हैं कि मतलब कैसे पहुंचा है, उसको प्रूव करना पड़ता है अपनी जगह अपनी प्लेस। बिल्कुल ऐसे ही होता है। मिस आपका जिस तरह एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में भी, आउट ऑफ कंट्रीज भी आप जाती हैं डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में, तो आप यहाँ के एनवायरनमेंट में या वहाँ के एनवायरनमेंट में अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस को लेकर क्या डिफरेंस देखती हैं? अब चूंकि सोशल मीडिया का दौर है तो मैं समझती हूँ कि कुछ ना कुछ चीजें वायरल हो जाती हैं, जब कोई विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन
कोई ऐसा कारनामा करता है तो लोगों तक वो वीडियो पहुंच रही होती है, किसी ने पीएचडी किया वो हाईलाइट होता है, जी कोई माउंटेनियर बनता है तो वो हाईलाइट होता है, वो दुनिया देखती है, उसकी मिसालें देना शुरू हो जाती है। अब कुछ ना कुछ इस पे काम हो रहा है। अगर हम मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो जहां तक पाकिस्तान की बात है तो बड़े शहरों में तो फिर भी किसी हद तक लोग जानते हैं चीजों को, और कहीं ना कहीं अब लोगों की एडवोकेसी की वजह से जो लोग एडवोकेसी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस इस पे वर्क कर रही हैं, तो उसकी वजह जी से और आप जैसे नौजवान जो लोगों तक ये पैगाम लेकर जा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तब्दीली आ रही है। लेकिन अगर रिमोट एरियाज की बात की जाए, रूरल एरियाज की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि अभी भी हम दुनिया में बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे अगर आप बाकी मुल्कों की बात करें, मैं यूएस की एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं एक ट्रेनिंग पे जा रही थी यूएस इन 2016, टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम फॉर पाकिस्तानी सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, एक प्रोग्राम होता है इनका, तो 6 वीक्स का कोर्स होता है टीचर्स के लिए। उस वक्त मैं टीचर थी तो मैंने अप्लाई किया, सिलेक्शन हो गई, ठीक है। जी तो वहाँ की अवेयरनेस का और एक्सेप्टेंस का मैं आपको लेवल बता रही हूँ, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वहाँ क्या है। मेरे वहां पहुंचने से पहले ही मेरी प्रोग्राम डायरेक्टर ने मुझे कांटेक्ट किया और मुझसे मेरे हवाले से पूछा कि मेरे लिए उन्हें कौन कौन सी अकोमोडेशन प्रोवाइड करनी है, रीजनेबल अकोमोडेशन, मतलब मुझे किन चीजों की जरूरत होगी, बिकॉज उनको अंदाजा था कि मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी हूँ, मेरा विजुअल इम्पेयरमेंट का इशू है। तो जी उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप अपना लैपटॉप लेकर आएंगी, आपके पास आपका सॉफ्टवेयर होगा, इसके अलावा ब्रेल का पूछा कि आपको ब्रेल आती है, और अगर हम आपको कोई मतलब आपको मटेरियल किस फॉर्म में चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, तो मुझसे ये सब कुछ पहले से ही पूछ लिया गया। और जब मैं वहां पहुंची तो पहला मेरा जो सबसे पहला एक्सपीरियंस हुआ, मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ, जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंची, ओपनिंग सेरेमनी तो हमारी वॉशिंगटन डीसी में हुई थी और यूनिवर्सिटी थी कोलोराडो में, जी तो जो हमारी टेबल थी उसके ऊपर पूरा प्रोग्राम ब्रेल में लिखा रखा था। तो दैट वाज सो वाह अमेजिंग सरप्राइजिंग एंड मतलब अच्छा लगा था देख के कि उनको इस चीज का अंदाजा था कि आई फर्स्ट वुड टाइम नीड मैंने दैट, कुछ पढ़ा है राइट, ठीक है। तो वो भाई पहले जी मैं बिल्कुल प्रोग्राम तो पढ़ लूँ कि क्या स्केड्यूल है, क्या टाइम टेबल है। इसके अलावा जो मेरी वहां पर डिसेबिलिटीज को सपोर्ट सेंटर्स बने हुए हैं, ठीक है, तो मुझे दूसरे ही दिन जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो वहां ले जाया गया, और जो भी हमारी कोर्स की बुक्स थी, जो मटेरियल था, वो सारा मुझे जी एक्सेसिबल फॉर्मेट में प्रोवाइड किया गया। तो जब भी कोई रीडिंग करनी होती थी, कोई चीज करनी होती थी, कोई एक्टिविटी, आई डिड नॉट फील लेफ्ट बिहाइंड कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करी और मेरे पास चीज नहीं है। मैं मतलब ऑन द सेम टाइम मैं भी पार्टिसिपेट कर रही होती थी बाकी फेलो टीचर्स के साथ, क्योंकि मैं अकेली थी विजुअल इम्पेयर्ड, बाकी सारे साइटेड थे, ठीक है। तो जो मेरा ये एक्सपीरियंस जी रहा तो इससे अंदाजा हुआ। फिर मैंने स्कूल्स भी उनके विजिट किए, तो उससे स्पेशल एजुकेशन तो वहाँ है नहीं, वहां पर इंक्लूसिव एजुकेशन है, जो आम बच्चों जी के हाँ स्कूल है वहीं पे इंक्लूसिव स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज जाते हैं, तो उनको वहां पर वो सहूलतें मुहैया की जाती हैं कि वो उसी एनवायरनमेंट में मतलब एजुकेशन के साथ साथ बाकी देखें अवेयरनेस कब होती है, स्कूल में अगर मैं हूँ विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा और मेरे साथ जी 1,000 साइटेड बच्चे हैं, तो जी एक वक्त बिल्कुल में एक बच्चे से 1,000 लोग अवेयर हो रहे हैं कि कैसे हो रहे चलता है, कैसे खेलता है, कैसे पढ़ता है, ये क्या इसका, ठीक है। अब मैंने एक ब्लाइंड बच्चे की क्लास भी विजिट की, उसमें उसका सारा मटेरियल ब्रेल में मौजूद था, और वहां पर जी ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है प्रोवाइड करना। तो मतलब है वहां पर चीजें, और जो इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स है, जितने भी ट्रीटीज हैं जो हम दुनिया में
यूनाइटेड नेशंस के चार्टर्स हैं जो हम उनको साइन कर रहे हैं, जिसपे पाकिस्तान भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का सिग्नेटरी है। तो वो जो जो चीजें साइन कर रहे हैं उसको फिर अडॉप्ट भी करते जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मतलब एजेंडा 2030 है, उसके कुछ गोल्स हैं, उसको अचीव करने के लिए लोग कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम वो सब अचीव कर पाएंगे मुझे नहीं लगता, क्योंकि 2023 आ गया और अभी तक हम इंक्लूजन नहीं पॉसिबल कर पाए, अभी तक प्रैक्टिस कर नहीं हो पा रही। क्योंकि आप देखिए ना, इंक्लूजन कैसे होगी, एक बंदा पहले से ही सोच लेता है कि भाई विजुअली इम्पेयर्ड बंदा तो सिर्फ कुरान हिफ्ज कर सकता है, मतलब उसके घर वालों के लिए वो जन्नत का बाइस बनेगा। कुछ चीजें के साथ अटैच कर दी जाती हैं कि ये तो अल्लाह लोग हैं, इनसे दुआ करवाओ कहीं, मतलब आपको कहीं ऑब्जेक्ट्स के तौर पे यूज किया जा रहा है, कहीं पे आपको सीट भरने के लिए प्रोग्राम्स आपके लिए अरेंज किए जा रहे होते हैं। ठीक है, आपको बिठा के आपके बारे में बात हो रही होती है, लेकिन उसकी पॉलिसी मेकिंग में आप शामिल नहीं है। ठीक नहीं होते है, आप तो आपके बारे में बात हो रही है लेकिन आपसे पूछा नहीं जा रहा, कोई और आपके बारे में चीजें जैसे डिसाइड कर रहा है, तो कैसे इंक्लूजन होगी, कैसे एक्सेप्टेंस आएगी? हमारा जो मेन टॉपिक है, इन सब बातों का कंक्लूजन यही है कि ये सब पॉसिबल होगा तो एक्सेप्टेंस होगी, और ये म्यूचुअल है, दोनों तरफ से है। यानी कि एक मैं तो हूं, अगर मैं वल्नरेबल हूँ, मेरी डिसेबिलिटी है, मुझे भी कोशिश करनी है अवेयरनेस को रेज करने में, और दूसरे लोगों को भी कोई एहसान नहीं करना चाहिए। अरे हमने तो एक ब्लाइंड बंदे को अपने पास जॉब पे रखा हुआ है, हमने चार हेयरिंग इम्पेयर्ड अपने पास उनको एम्प्लॉयमेंट दी है। इट शुड बी आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल, ये नहीं कि हम उसको एक बर्डन के तौर पे लेकर और मजबूरी के तौर पे या एहसान कर रहे हो हम लोगों के ऊपर। तो एक्सेप्टेंस दोनों तरफ से आएगी, हमें भी कोशिश करनी है और सोसाइटी में बाकी लोगों को भी। ये कोशिश करें म्यूचुअल है, म्यूचुअल एफर्ट से ये होगा। जी बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पर हमारे साथ ऑडियंस भी मौजूद है और ये हमारा जो सेशन है ये यूट्यूब चैनल से हजारों लोग देखेंगे, तो एनएस के प्लेटफॉर्म से आप हमारी ऑडियंस को जो हमारे साथ इन द फ्यूचर काम करना चाह रही है या वो लोग जैसे हम अभी फील्ड में आकर काम करना चाह रहे हैं, तो आप हमें क्या मैसेज देना चाहेंगी कि हम इन सब चीजों से को लेकर बैठ जाते हैं कि लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करते या अवेयरनेस नहीं है, तो इन सब चीजों को हम पीछे रखकर मतलब हमें ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि हम सोसाइटी में कुछ बेटर कर सकें, मतलब आप क्या हमें मैसेज देना चाहेंगे? आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप सोसाइटी में निकले हुए हैं, तो पहले तो मैं नए सितारे को अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि आप लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के प्लेटफॉर्म से और ऑनलाइन सेशंस भी कर रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज में लोगों को इंगेज कर रहे हैं। और जब हमारी यंग जनरेशन, जो आज की जनरेशन है, ये अवेयर होगी, तो एक बंदा अवेयर होगा, एक समझे, एक फैमिली, एक खानदान, और फिर वहां से बिल्कुल मैसेज चलता चलता जाएगा और फर्द फर्द से सोसाइटी बनती है। तो इस तरह से मतलब आप अपना काम ऑलरेडी कर रहे हैं, बस इसको जारी रखें। मेरा यही मैसेज है कि घबराएं नहीं, मुश्किलात आएंगी, बैरियर्स हैं, उन बिल्कुल बैरियर्स को आपने ब्रेक करना है, ठीक है, और आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मानूर, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपकी ऑडियंस से बात कर सकूं। शुक्रिया। नए सितारे की हमेशा कोशिश रहती है कि हम ऐसे सेशंस लाएं जिससे हमारी ऑडियंस को नॉलेज मिले, इन्फॉर्मेशन मिले और हमें भी सीखने को मिले। तो सबसे पहले नए सितारे का और नए सितारे के प्रेसिडेंट अरहम मलिक का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस सेशन को मुझे होस्ट करने का मौका दिया, इवन पूरा डिज़ाइन करने का मौका दिया। फिर उसके बाद मिस एस्टर का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और बहुत अच्छी डिस्कशन रही, और हमारी ऑडियंस जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और जिन्होंने इस सेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए जिस टीम ने एफर्ट की, थैंक यू सो मच ऑल। और हमारे देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक और सेशन के साथ मूव बैक करेंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।